Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications. Thank you. Hello students, this is Ritu Sharma. कैसे हैं आप सब? I hope सभी की preparation बहुत अच्छे से चल रही होगी. Last video में या last class में हमने chapter 12 के सारे formulas को discuss किया था और हमने उनको रिवाइज किया था और मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो आज का जो इस क्लास में क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, आपके प्री बोर्ड में जो रिसेंटली आपके गवर्नमेंट स्कूल में प्री बोर्ड हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था. कुछ ये फिगर था जो देखने में अपने आप ही मतलब ऐसा लगता है कि शायद हमसे ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा. तो इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजीली आप इसको समझ पाएंगे. बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और ऐसे ही हम धीरे धीरे जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती चली जाएगी. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन. बोल रहे हैं इन फिगर एबीसी इज राइट ट्राइंगल. हमें गिवन है फिगर में एबीसी क्या है, एक राइट ट्राइंगल है जो की राइट एंगल है बी पर. तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बी पर. ए बी इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. अभी क्या बोल रहा है, विद ए सी एज डायमीटर, मतलब ए सी को व्यास मानकर डायमीटर मानकर इन्होंने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया यानी अर्धवृत्त. ये दिख रहा है आपको, ये ए सी आपकी लाइन थी, इन्होंने क्या किया है, एक अर्धवृत्त को क्या किया है, बनाया है. अगर मैं इसको बना के दिखाऊं डायग्राम को, तो इन्होंने बोला कि ये एक राइट ट्राइंगल है आपका ए बी सी जो कि राइट एंगल है बी पर, और इन्होंने ए सी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे इस तरीके से. आगे ये क्या बोल रहा है, विद बी सी एज अ रेडियस, बी सी को रेडियस मानकर त्रिज्या मानकर अ क्वार्टर सर्कल, मतलब कि एक चतुर्थांश बनाया है इन्होंने, क्वाड्रेंट बनाया है सर्कल का, क्या क्या करकर बी सी को रेडियस मानकर एक वृत्त का चतुर्थांश बनाया. अब यहाँ पे क्लियरली फिगर में शो हो रहा है और वैल्यू से भी पता चल रहा है कि ए बी क्या है आपकी बड़ी है और बी सी छोटी है. तो पूरा ए बी तो नहीं कवर होगा क्वाड्रेंट में आपका, अगर बी सी को रेडियस मान के बनाया है तो जो आपका क्वाड्रेंट है वो कुछ इस तरीके से बन गया. अब बाकी जो बाहर वाला एरिया बचा क्वाड्रेंट के वो इसने क्या कर दिया, शेड कर दिया. और ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन अप टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि आपको दशमलव के दो स्थान बाद तक इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, उससे आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है, आई गेस 12.3 में आपका सेम क्वेश्चन है जिसमें आपको आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. यहाँ पर वो जो हमें एबीसी के ट्राइंगल दिया हुआ है वहाँ पर वो हमें क्वाड्रेंट ही दिया हुआ है. तो उस क्वेश्चन में हम उसको इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने सेमी सर्कल के एरिया में से अंदर जो सेगमेंट बन रहा है आपका ये वाला, आप इसका एरिया माइनस कर दो और वहाँ पे आपका आंसर आ जाता है. लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा आपको. आप देखो, इसने बोला एसी को क्या करके डायमीटर मान के आपने एक सेमी सर्कल बनाया है, तो हमें सेमी सर्कल क्या पता होना चाहिए, पहले रेडियस पता होना चाहिए. एसी क्या है, डायमीटर, और ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है. तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हमारे एसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना. तो एसी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या वर्ग जो भी आप करें. तो एच क्या है हमारे पास यहाँ पे 90 के सामने, एच यानी एसी हमारा हाइपोटेनस है ना. एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 28 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारे पास यहाँ 21 और इसका स्क्वायर. अब एसी हमें निकालना है, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, अगर आप 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 784 प्लस 21 का स्क्वायर होता है आपका 441 और इसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा आपका 1225. तो एसी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 1225 एंड एसी की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 1225 सेंटीमीटर. स्क्वायर था रूट बन के इधर जाएगा और एसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 सेंटीमीटर. तो डायमीटर आया हमारे पास, एसी कितना आया 35 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे जो गिवन है हमें सेमी सर्कल बंद करो, वीडियो दोबारा से शुरू कर. हुई नहीं अभी तक, हो गई वो तो मैं एडिट करूंगी. तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास कितना आया है, इसको हम डी से
कितना आया हमारे पास, ए सी एस का डायमीटर कितना आया 35 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धवृत्त जो गिवन है इस डायग्राम में, अर्धवृत्त का व्यास ये आया हमारे पास 35 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई भाई, इसकी रेडियस क्या हो गई 35/2। अगेन इसने जो क्वाड्रेंट बोला था यहाँ पे उसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने क्या बोला कि वो क्या है, हमने बीसी को रेडियस मान के बनाया है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो यहाँ पर रेडियस गिवन है हमें रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश की त्रिज्या जो आई हमारे पास वो कितनी आई 21 सेंटीमीटर। इसको हम R1 नाम दे देते हैं और इसको हम R2 नाम दे देते ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। अब इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एक चीज देखो, अगर हम इस ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल से आपका ये लाइन के उधर वाला पार्ट जो है ये सेमी सर्कल है आपका, हमें क्या करना है, अब जो शेडेड रीजन है वो आपका बाहर भी आ रहा है, थोड़ा ट्राइंगल का भी पोर्शन इसमें कवर हो रहा है। तो अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से ये क्वाड्रेंट, अब सेमी सर्कल तो यहीं तक कवर हो रहा है, ध्यान से देखना है बोर्ड पे नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये वाला जो सेमी सर्कल है आपका, ये सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर दें माइनस, क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर दें माइनस। अब एक चीज देखो, सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, क्या पार्ट करना है हमें, सेमी सर्कल के एरिया में से हमें ये वाला पार्ट माइनस करना है और इस पार्ट को अलग से क्या कर देना है, ऐड करना है। लेकिन अब ये पार्ट है क्या और ये पार्ट क्या है ये तो हमें नहीं पता ना कि इनको क्या बोलते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए करना तो हमें यही था कि सेमी सर्कल के एरिया में से हमें इस वाले पार्ट का एरिया क्या करना है माइनस और इसको अलग से ऐड करना था, लेकिन ये क्या होता है हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हमें क्वाड्रेंट का, ध्यान से देखना, इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर दें माइनस, तो कुछ माइनस तो होगा लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए दोबारा से हम इस ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो आपका ये पार्ट बच गया था ऐड करने के लिए ये भी अपने आप क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। एक बार देखो यहाँ पे फिर समझ में आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए मैंने बोला जब आप क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम, अब ये क्या है अगेन, ये कोई क्वाड्रिलेटरल टाइप बन रहा है या क्वाड्रिलेटरल भी नहीं, अजीब सा कुछ बन रहा है ये वाला पोर्शन। तो अगर हम पूरे ट्राइंगल का एरिया ऐड करें तो जो हमारा ऊपर वाला पार्ट रह गया था वो भी आ जाएगा, आपका शेडेड रीजन वाला पार्ट रह गया था ना। और दूसरी बात, जो हमने क्वाड्रेंट का ये माइनस करते टाइम ये वाला पोर्शन जो हमारा एक्स्ट्रा माइनस हो गया वो दोबारा से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एबीसी है आपका वो, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 × π r² 1/2 पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये सर्कल का हो गया तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 π r² देखो ये भी r स्क्वायर है ये भी r स्क्वायर है लेकिन दोनों ये अलग हैं। ये सेमी सर्कल की जो रेडियस है उसको हमने क्या माना है R1 माना है, जिसकी वैल्यू क्या है 35/2। लेकिन ये जो आपका क्वाड्रेंट का रेडियस है इसको हमने क्या माना है R2 माना है, और जिसकी वैल्यू क्या है 21। तो इसको हमने R2 लिख दिया और यहाँ पे हमने R1 लिख दिया। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × base × height। अब फटाफट से इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 × π की वैल्यू 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 22/7 R1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 35/2 स्क्वायर है इसलिए इसको दो बार लिखेंगे माइनस 1/4 × 22/7
इंटू आर की वैल्यू हमारे पास, आर टू की वैल्यू क्या है 21 इंटू 21 प्लस 1/2। अब ट्राइंगल का बेस और हाइट, बेस क्या है इसका 21 और इसकी हाइट कितनी है 28। आगे इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 7 से आपका 35 कैंसिल होगा, कितना आएगा 7 5 35, एंड 2 से आपका 22 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1। उसके बाद आप 4, यहाँ पे ये वाला, इसमें सब कुछ कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। आगे क्या है आपका 7 से 21 कैंसिल होगा, 3 आएगा आपका, एंड 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 4, एंड यहाँ पे कितना आ गया आपका 11। अब ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 14। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 है यहाँ पे हमारे पास इंटू 5 है इंटू 35 है अपॉन में 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, माइनस आगे जो वैल्यू गई हमारे पास यहाँ पे क्या है 11 है 3 है एंड 21 है, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में 2 प्लस 21 इंटू 14। तो ये पोर्शन मैंने यहाँ से रब कर दिया, बैक में जाके वीडियो के देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या था और वो कैसे सॉल्व किया था हमने। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 4, तो 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है हमारा, आपका आता है 55, और उसको आप 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1925, और अपॉन में क्या है 4 है हमारे पास, माइनस जब आप 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा 33, और उसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 693, और अपॉन में क्या है हमारे पास 2 है यहाँ पर। और जब आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 14 के साथ, तो आपका आएगा यहाँ पे प्लस में 294। अब आप आई होप मल्टीप्लाई करना तो सबको आते ही होगा, भी मल्टीप्लाई करके देख लेना। उसके बाद 1925 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आता है 481.25 माइनस 693 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 346.5 प्लस 294। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, 481.25 है आपके पास प्लस में 294, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 00 आ जाएगा 5, एंड ये 2.5, 8 एंड 9 क्या हो जाएगा 17, एंड 4 और 2 कितना हो गया 6 और ये 7। अब ये दोनों प्लस में इनको ऐड करके कितना आया 775.25, एंड उसमें से हमें माइनस करना है क्या 346.5, देखो पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, अगर यहाँ पे नहीं है कुछ भी तो हम जीरो लगा देंगे, और ये आएगा आपको निकल के 5, ये माइनस करना है हमें तो 12 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 7, अब यहाँ पे क्या बचा 4, तो ये 14 में से 6 गया 8, एंड यहाँ पे हो गया आपके पास कितना बचा ये 6, और 6 में से 4 जाएगा क्या बचा 2, एंड 7 में से 3 जाएगा ये आ गया आपका 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर आंसर कैलकुलेट करने के बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान से देखना है कि वो क्वेश्चन बोलने क्या चाह रहा है, फिगर क्या है, किसको माइनस करना है, किसको ऐड करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।